जब दोपहर तक का काम निपटा लेते हैं ना तो थोड़ा सा आराम करने का मन करता है, लेकिन कभी कभी दोपहर से पहले इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि थकान सी हो जाती है और शरीर में ना बेचैनी सी होने लगती है। मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी देर के लिए लेट जाती हूँ, थकान सी उतर जाएगी और फिर काम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने के बर्तन भी पड़े हुए थे और झाड़ू भी पड़ी हुई थी। अब लेटने के बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, तो 3:30 बज चुके थे। मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही है, तो चलिए एक काम करते हैं, अपना काम ही ख़त्म कर लेते हैं। पर मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा था। फिर सोचा थोड़ा सा ना मूड फ्रेश कर लेते हैं, और मूड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, सभी चाय बनाते हैं। लेकिन आज मेरा सिंपल चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा था। तो ये वाली आज जो चाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसको मैं हमेशा स्पेशल में बनाती हूँ, जब मेरा मूड बिल्कुल मतलब फ्रेश नहीं होता है। मूड को फ्रेश करने के लिए एक स्पेशल चाय बनाई जाती है मेरे घर में, जिसको बोला जाता है तंदूरी चाय या फिर कुल्हड़ चाय। तो दशहरा अभी पूजा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है थोड़ी सी कुल्हड़, जिसको हम कुल्हड़ बोलते हैं, तो मैंने ये ले ली है। इसके ऊपर पूजने में जो कलावा बांधा जाता है पहले मैंने उसको निकाल लिया है, और इनको मैं धो के लेके आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर तीनों चूल्हे ऑन कर दिए हैं, इन पे हम चाय भी बनाएंगे और साथ में जो हमने कुल्हड़ लिया है ना इनको भी तैयार करेंगे। तो इनको तैयार करने के लिए हमें इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करने होते हैं, एकदम लाल। तीनों चूल्हे चलाने के बाद मैंने एक पे छोटी कुल्हड़ रख दिया, एक पे मैंने बड़े वाली कुल्हड़ रख दिया, क्योंकि चाय मैं यहाँ पर 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, एक छोटी कुल्हड़ में ना बात नहीं बनने वाली थी। एक पे मैंने चाय चढ़ा दी है। आप बोलते रहते हो ना पानी वाली चाय, पानी वाली चाय, मेरे घर में दूध वाली चाय भी बनाई जाती है, लेकिन ये जो कुल्हड़ चाय बनाई जाती है ना ये तो दूध में ही बनाई जाती है। दूध रखने के बाद दूध को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ भी बोला जाता है, 2 हरी इलायची डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे, और चाय पत्ती यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, 2-2.5 चम्मच के जितनी, और अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देंगे। मैंने 3-4 चम्मच के जितनी चीनी डाली है। इस चाय को नॉर्मल चाय से ज़्यादा पकाया जाता है, जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाता है ना तो इसमें एक गाढ़ापन आता चला जाता है। आपको ना गैस को हाई और जो है मीडियम के बीच में रखकर इसमें अच्छा इसमें ना उबाला दे देना है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चाय का पता नहीं लग रहा है चाय कब तक परफेक्ट बनेगी, तो चाय में ना 6-7 उबाल लगा लीजिए आप, तो चाय आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। यहाँ पे देखिए चाय का कलर ना चेंज हो चुका है। मैंने बर्तन भी तैयार कर लिए। सबसे पहले हम छोटे वाली कुल्हड़ उठाते हैं, इन कुल्हड़ को उठाते हैं, और छोटे वाली मैंने कटोरी में रख दिया। मुझे पता था इसमें सारी चाय तैयार नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़े वाला कुल्हड़ भी चढ़ा दिया था। वो जो बड़े वाला कुल्हड़ है ना वो है पिछले साल की करवा चौथ का, तब साल भर हो चुका है ना, तो अब मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चाय डाली है ना किस तरीके से ऊपर को आ रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है तंदूरी चाय। बड़े वाला कुल्हड़ रख के मैंने बड़े से बर्तन में जैसे यहाँ पे चाय डाली, देखिए किस तरीके से ऊपर को उबल के आ रही है। इस चाय का ना टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है, मतलब मैं ना बहुत ही पार बना चुकी हूँ अपने घर में। जब भी मेरा स्पेशल चाय पीने का मन करता है ना मैं ये वाली चाय बना लेती हूँ। नॉर्मल चाय से ये चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत सारी जगह की तो ये फेमस चाय है, मतलब कहीं तंदूरी चाय के नाम से फेमस है, कहीं कुल्हड़ चाय के नाम से फेमस है। देखिए अब ये जो बड़े वाला एक करवा था, ये काफ़ी भारी था, इसको गर्म होने में भी टाइम लगा था, उसी तरीके से ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें उबाल तो आना बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें आप चाय के अंदर देखोगे ना तो आपको ये बबल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है अभी जो हमारी ये कुल्हड़ है ना काफ़ी गर्म है, जब तक ये बबल आने बिल्कुल बंद नहीं हो जाते जब तक उसी में छोड़ के रखेंगे। चलिए छोटे वाली कुल्हड़ मैंने निकाल ली है और बड़े वाली भी मैंने निकाल लिया है। यहाँ ये मेरा बेटा है ना, इसको खेल चाहिए करने के लिए बस। तो चलिए मेरे पास ना वो गिलास तो थे नहीं जिसमें अक्सर ये चाय पी जाती है, नॉर्मल तो मैं इस चाय को गिलासी में करके पी लेती थी, बट मेरे पास ना इस बार ये कुल्हड़ मिल गई, तो मैंने सोचा चलिए इन्हीं में पी लेते हैं, है तो ये मिट्टी की ना, आखिरकार गांव में रहते हैं इंडिया में रहते हैं जुगाड़बाजी तो कर ही लेते हैं। तो चाय बनाते बनाते यहाँ पे आ चुकी है मेरी सासू माँ और बोलती रहती हैं कि क्या सांग करती रहती है तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, ये बन रही है स्पेशल चाय। अच्छा वो आप भी आ गए हो, तो चलिए मैं ना इनको गर्मा गर्म दे देती हूँ और अपनी सासू माँ से पूछती हूँ पहले चाय कैसी लग रही है। तो जब भी मुझे ना यूनिक सी रेसिपी उन्हें लगती है ना, जैसे मैं रेसिपी शूट करती रहती हूँ और उन्हें कुछ यूनिक सा लगता है ना, तो वो मतलब पूछती रहती है। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उनको क्या बोलूं। खैर जब मैंने उनको चाय दी ना और उन्होंने पी के देखी तो वास्तव में ना चाय पीने में ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। फिर दूसरा मैंने इनको मिट्टी की कुल्हड़ों में भी
कर दिया था ना नॉर्मल गिलासी की अपेक्षा, तो इसमें चाय पीने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पे ये है मेरे हस्बैंड, ऑफिस का काम करते रहते हैं, मतलब नीचे बैठ के कर लेते हैं, जिस तरीके से ना कंफर्टेबल लगता है ना उसी तरीके से अपना काम कर लेते हैं। कभी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कभी चारपाई पे बैठ जाते हैं, पूरा दिन में काम में लगे रहते हैं ना, तो परेशानी तो हो ही जाती है। अब बेचारे कभी पैर फैलाते हैं, कभी पैर को इकट्ठा करते हैं। बच्चों को भी ये चाय पीने में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मेरी मानिए। एक बार अपने घर में इस चाय को आप भी बना के देखिए सेम इसी तरीके से।